Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so you are doing well. Sabah Chaudhary is here and we are going to discuss our behaviorist approach or the behaviorist theory. ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन में होंगे इंट्रोडक्शन, स्किनर से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि हु प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म एंड इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे ये थ्योरी क्या क्लेम करती है. फिर उसके बाद फोर बेसिक पिलर्स हैं और इसका क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन. ठीक है, सो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन. द बिहेवियरिस्ट थ्योरी बिलीव्स डैट इन्फेंट्स लर्न ओरल लैंग्वेज फ्रॉम अदर ह्यूमन रोल मॉडल्स थ्रू अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इमिटेशन, रिवॉर्ड एंड प्रैक्टिस. Human role models in an infant's environment provide the stimuli and reward. यानी कि वो कहता है कि ये वाली थ्योरी इस बात पे यकीन रखती है कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज इमिटेशन से सीखते हैं, यानी अपने इन्वायरमेंट से इमिटेट करके. यानी जो उनके अडल्ट्स बोलते हैं, जो उनके बड़े बोलते हैं, वो उसी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं और वो बोलना शुरू कर देते हैं. यानी कि एक जो छोटा बच्चा है, पहले वो जो बैबलिंग और मटरिंग करेगा तो फिर उसके पेरेंट्स जो है ना वो उसको रिवॉर्ड देंगे, यानी कि वो खुश होंगे, प्रेज करेंगे. उसके बाद वो उसकी ऐसा ऐसा प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद वो परफेक्ट हो जाएंगे लैंग्वेज सीखने में. यानी कि उसके ख्याल में एक बच्चा जो है ना वो इन्वायरमेंट से सीखता है, कि जैसे ही इन्वायरमेंट उसका चल रहा होता है, जो उनसी लैंग्वेज वो बोल रहे होते हैं वही वो बच्चा बोलेगा. ठीक है जी, हु इज़ स्किनर. स्किनर इज़ द बेस्ट नाउन फॉर डिवेलपिंग द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म. ये एक्चुअली था साइकोलॉजी का प्रोफेसर, और ये जो बिहेवियर्स थ्योरी है ये भी ज़्यादा साइकोलॉजी में ही फॉल करती है, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन माइंड्स. तो जो है ना ये ज़्यादा यही वो इस चीज़ को डिस्कस इस पूरी थ्योरी में करता है कि जो बच्चे हैं वो अपने लोगों के रवैयों से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं. ठीक है, और वो अब उसका जो बिहेवियर होता है वो उसी में वो इमिटेशन करता है, फिर वो प्रैक्टिस करता है, रीइंफोर्समेंट करता है. इसमें आगे पेरेंट कंडीशनिंग भी आएगी, उसके बाद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी आएंगे कि कैसे कैसे जो है ना ये एक नफ्सियात, अब जो बच्चे की है नफ्सियात का ये सारा खेल है. ठीक है, स्किनर के ख्याल में कि एक नफ्सियात जो है ना वही बच्चे के सीखने में सबसे ज़्यादा रोल पार्ट प्ले करती है. स्टेज के वर्ड डज बिहेवियरिस्ट थ्योरी एक्सप्लेन. ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड थ्रू इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट. हाँ जी, ये भी बस ये थ्योरी इसी बात पे फोकस करती है कि जितने भी रवैये हैं, जितने भी बिहेवियर्स हैं, वो सारे किससे सीखे जाते हैं? इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट. वो क्या कहती है कि बिहेवियर्स आर लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड सेज दैट इननेट और इनहेरिटेड फैक्टर्स हैव वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर. अब जो है ना इस स्टेटमेंट में जो वो कह रहा है ना कि इननेट और इनहेरिटेड फैक्टर्स, यानी कि ये जो चॉम्स्की का LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाला जो नज़रिया था ना, उसकी अप्रोच, उसको बिल्कुल डिनाई करता है. वो कहते हैं कि भाई बच्चे जो है ना वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट पैदा होते हैं, जो उनके इन्वायरमेंट में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वही सीखते हैं. ठीक है, उसके अलावा उनके माइंड का या उनके किसी भी चीज़ का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता. बिहेवियरिस्ट क्लेम क्या करते हैं ना, claim that all languages are learned and the babies only imitate what they hear through some sort of habits formation process which is stimulus response and reinforcement. अब वो ये कह रहा है कि जो ये हैं humans या babies जो हैं वो कह लें वो stimulus response और reinforcement, यानी कि सबसे पहले वो मुतहरिक होंगे, उनको कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर उसके बाद reinforcement होगी, और उसके बाद क्या होगा, बच्चे उसमें परफेक्ट हो जाएंगे लैंग्वेज सीखने में री इन्फोर्समेंट के ज़रिए. आगे इसमें हम लोग कुछ जो है ना वो पहले बेसिक पिलर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो रिस्पांस और री इन्फोर्समेंट से रिलेटेड आगे दो एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं. ठीक है, इसमें जो बेसिक पिलर्स ऑफ बिहेवियर थ्योरी हैं उनमें आते हैं जी लर्निंग इन्वॉल्व्स ऑन बिहेवियर चेंज. ऑर्गेनिजम्स आर बॉर्न एज ब्लैंक स्लेट्स, यानी कि ये बिल्कुल ब्लैंक होते हैं ऑर्गेनिज्म. यानी इसमें एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं. लर्निंग इज़ लार्जली द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इवेंट्स. चलो, लर्निंग हैपन्स ऑटो एन ऑर्गेनिज्म इन अ वे डैट इज़ ऑफन बियॉन्ड द ऑर्गेनिजम्स कंट्रोल. कि यानी कि इंसान के अपने बस में होता ही नहीं है कि आपके इन्वायरमेंट में एक चीज़ हो रही है, आप एक लैंग्वेज वो बोल रहे हैं तो ये आपके बस में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे. ठीक है, और वो इंसान क्या है, बिल्कुल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट से आते हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट्स नहीं. यानी वो कहता है कि जो जानवर है ना वो भी, उनकी भी नफ्सियात है, वो भी सीखते हैं. यानी कि उनके जानवर जो है ना, वो बकरी मैं कर रही है तो वो बकरी मैं ही करेगी, अगर बिल्ली म्याऊं कर रही है तो वो बिल्ली म्याऊं ही करेगी, क्योंकि वो अपनी जेंडर से सीख रही होती है. ठीक है,
और वो कह रहे हैं कि सारे जो ये लार्जली रिजल्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास पेवलोव का एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। लोग ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग के ऊपर, उसने एक बेल लगाई और जो है ना वो उसने वो बेल बजानी और उसके बाद एक डॉग को फूड मिलता था, ठीक है। पहले वो बेल बजाता था फिर उसके बाद वो कुत्ते को फूड देता था। इसके बाद उसने क्या किया कि एक अरसे तक वो करता रहा उस, और जो ही वो बेल बजाता और वो फूड लेके आता तो डॉग की सेल्वेशन स्टार्ट हो जाती, ठीक है। लेकिन एक दिन उसने क्या किया कि पेल्वो रिमूव द फूड एंड व्हेन रिंगिंग द बेल द डॉग वुड सेल्वेट, यानी कि उसने बेल बजाई और उसको उसके जो कुत्ता है उसके नफ्सियात में उसके बिहेवियर में ये वाली चीज़ उसके माइंड में आ गई कि जो है ना ये कि अब ये मुझे फूड मिलेगा, यानी इसने आगे वही वो वाला जो ऊपर उसने जो बिहेवियर क्लेम करते हैं कि स्टेमुलस रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट। पहले सबसे पहले उसने अपना आइडिया मुतहरिक किया, फिर उसके बाद उसने रिस्पॉन्स लिया और उसके बाद रीइंफोर्समेंट करता रहा, यानी कि बार बार एक चीज़ रीट्राई करता रहा। फिर उसके बाद उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई, ये फिक्स हो गई कि अभी जो है मुझे बेल रिंग होगी तो मुझे फूड ही मिलेगा। उसके बाद स्किनर ने भी एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था रैट के ऊपर। स्किनर शोड हाउ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वर्क बाई प्लेसिंग अ हंग्री रैट इन हिज स्किनर बॉक्स। उसने क्या किया कि बॉक्स कंटेन्ड अ लीवर ऑन द साइड एंड एज अ रैट मूव्ड अबाउट द बॉक्स इट वुड एक्सीडेंटली नॉक द लीवर। इमीडिएटली इट डिड सो फूड पैड वुड ड्रॉप इनटू अ कंटेनर नेक्स्ट टू द लीवर। कि वो क्या होता था, जो ही लीवर के ऊपर वो जाता था उसका वो रैट, उधर से उसको फूड आता था। तो वो क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद रैट को समझ आ गई कि जब मुझे भूख लगेगी अगर मैं इस लीवर को दबाऊंगा तो मुझे फूड मिलेगा। यहाँ पर भी क्या है कि जी बिल्कुल वो ब्लैंक माइंड था पहले डॉग भी और रैट भी, लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ उन्होंने उनके माइंड में एक चीज़ बार बार रेपिटेशन से बार बार रीइंफोर्समेंट से उनको इस चीज़ में परफेक्ट बनाया गया। उसके माइंड में ये चीज़ सेट कर दी गई कि अब जो है ना वो बेल होगी या लीवर को दबाया जाएगा तो हमें फूड मिलेगा। ऐसे ही अगर हम लोग अपने बेबीज़ को देखें तो बेबीज़ को हम लोग फीडर दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा चहकना शुरू कर देते हैं कि अभी हमें इसमें दूध मिलेगा। यानी कि उसने कहा है कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं ना वो दोनों क्या करते हैं, उनके बिहेवियर्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट से, यानी कि जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम लोग जैसी जैसी चीज़ें करते हैं हम लोग उन्हीं को इमिटेट करके वो बोलना शुरू कर देते हैं। यानी कि उनको पता है कि जो फीडर है वो दूध के लिए ही यूज़ होता है, उन्हें पता है ऐसा ऐसा जो फुटबॉल है वो खेलने के लिए यूज़ होता है, और ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखते हैं इन्वायरमेंट से इमिटेट करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी ओपनिंग ओपेरेंट कंडीशनिंग के बारे में। ओपेरेंट कंडीशनिंग इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो ओपेरेंट कंडीशनिंग में आता है कॉज एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कौन सा जो है ना कॉज की वजह से हम एक्शन परफॉर्म करते हैं और उस एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास निकलते हैं। रीइंफोर्समेंट मेक्स द बिहेवियर इंक्रीज। वो कहता है कि अगर हम अपना जो काम है उसको हम लोग रीइंफोर्स करें तो ये जो है ना हमारे लिए हमारी जो परफेक्शन है इसको इंक्रीज़ करेगा। नेगेटिव इन्फोर्समेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पनिशमेंट। वो कहता है कि नेगेटिव इन्फोर्समेंट जो है ना वो नेगेटिवली हम लोग जो चीज़ को रिपीट करते हैं वो पनिशमेंट से डिफरेंट है। वो कैसे कि जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ कि एक बंदा है वो उससे लोन चाहिए। अगर आपको भी लोन चाहिए हो तो आप क्या करेंगे अपने ऑनर से, अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग में एक बात कर लेते हैं तो वो मॉर्निंग में ये होता है कि वो सुबह सुबह अभी उसकी सेल स्टार्ट नहीं हुई और अभी वो उसका थोड़ा मूड ऑफ है तो वो जो है इतना अच्छा आपको रिस्पांस नहीं करेगा। लेकिन फिर आप क्या करते हैं कि लंच के बाद या लंच टाइम में आप उसके साथ बैठते हैं और उससे फिर लोन की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देता है। उसके बाद क्या होता है कि एक दो चीज़ें एक दो दफ़ा करने के बाद इस आपको समझ आ जाती है कि आपके बॉस का मूड जो है वो कब जो है ना वो ठीक होगा और आप कब जो उससे ये वाली बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको जब इन कॉन्सिक्वेंसेस की समझ आती है तो इसमें ये एक और भी चीज़ आती है कि जो लर्नर्स है लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर, ठीक है। जो है ना वो पहले आप ट्राई करते हो, एरर्स करते हो, फिर उसके बाद क्या है आप
जो है ना वो सीख जाते हो। फिर इसमें जो है ना ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी आ जाती है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी आ जाती है, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पनिशमेंट, और वो कहता है कि रीइंफोर्समेंट जो है ना वो हमारे बिहेवियर को इंक्रीज़ करता है, यानी कि हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारी रीइंफोर्समेंट। जितनी अच्छी हमारी रीइंफोर्समेंट होगी, जितना हम लोग अच्छा ट्राई करेंगे, जितना हम लोग किसी के बिहेवियर को समझ के उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो हमारा उतने कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे आएंगे, ठीक है। उसमें वो ये भी कहते हैं कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मेक्स अ बिहेवियर स्ट्रॉन्गर बाय टेकिंग अवे अ नेगेटिव स्टिमुलस। मलेस स्किनर व्यू बेबीज आर एन एम्प्टी विसल्स विच लैंग्वेज हैड टू बी पुट इन आउट। वो कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो अच्छा नेगेटिव रिस्पॉन्स का मैंने आपको बता दिया है कि वो आपके बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे अभी मैंने आपको ऑनर की एग्जांपल दी है, तो वो जो है ना वो आपको नेगेटिवली जब रिप्लाई करता है, तो फिर आप क्या करते हो, ट्रायल और एरर से सीख जाते हो और आपके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे आ जाते हैं। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स में वो यही कहते हैं बेबी जो है ना वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से सीखता है। वो बच्चे को जब रिवॉर्ड दिया जाता है, जब उसकी प्रेज की जाती है, तो वो उसकी जो वोकलाइजेशन है वो उसकी फ्रिक्वेंसी परफेक्ट होती है। तो जो पेरेंट्स हैं टेंड टू रिवॉर्ड इन्फेंट, वो रिवॉर्ड देते हैं, तो वो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हो गई। लेकिन जो हम लोग अपने ऑनर से बात करते हैं कुछ, वो हमारी नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है ना वो रीइंफोर्समेंट होगी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी हमारा बिहेवियर स्ट्रांग होता है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में भी हमारा बिहेवियर स्ट्रांग होता है, ठीक है। पेरेंट कंडीशनिंग कैन बी सम बाय स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट रेपिटेशन। पहले आप काम स्टिमुलस करेंगे, मुतहरिक होंगे, रिस्पॉन्स आएगा, रीइंफोर्समेंट करेंगे, वो उसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी, और फिर उसके बाद रेपिटेशन होगी उस काम की, फिर उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टडी कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट बिहेवियरिज्म इज अ डिसिप्लिन इन साइकोलॉजी डेट सजेस्ट दैट ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स बिहेवियर इज कंडीशन थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। इट सिस्टमैटिकली स्टडी द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स इग्नोरिंग मोर सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सच एज द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द सब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि भाई उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं, यानी कि उसकी जो मेंटल कंडीशन है या फिर उसके जो डिफरेंट अदर आइडियाज़ हैं ना, वो उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। वो सिर्फ ये कहता है कि जो इन्वायरमेंट बिहेव करेगा उसी चीज़ को इमिटेट करके वो जो इंसान है, वो जानवर है, वो सिर्फ और सिर्फ वही रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद वो सारी जितनी भी अदर जो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है उसको बिल्कुल इग्नोर करती है। इसमें बाद भी आ जाता है हमारे पास क्रिटिसिज्म। मैनी क्रिटिक्स आर्ग्यूज दैट बिहेवियरिज्म इज़ एन वन डायमेंशनल अप्रोच। यानी कि इसमें जो है आप अगर आप इस पे गौर करें, तो जैसे चॉम्स्की ने अपना जो नजरिया दिया था, अपनी अप्रोच थी उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि बच्चा जो है ना वो गॉड गिफ्टेड होता है, उसके माइंड में ऑलरेडी एक डिवाइस होती है लैंग्वेज सीखने वाली। ये जो स्किनर है इसने बिल्कुल डिनाई कर दिया इस कॉन्सेप्ट को। उसने कहा कि बच्चा बिल्कुल जो है ना वो उसकी कोई, उसने कहा कि एक ब्लैंक स्लेट होता है उसके, ना तो कोई डिवाइस होती है ना ही कोई अदर अप्रोच, वो किसी चीज़ को मानता ही नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही अप्रोच है और वो वन डायमेंशनल है। उसमें वो यही कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर एंड द बिहेवियर थ्योरी डू नॉट अकाउंट फॉर फ्री विल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंस सच एज मूड थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी कि उसने मूड्स एंड थॉट्स फीलिंग्स, उसके बाद जितनी भी अदर जो चीज़ें हैं हम सबको इग्नोर कर दी हैं। लेकिन जो दूसरे क्रिटिक्स हैं वो ये भी कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे फीलिंग्स या इमोशंस की बात होती है। जो वो कहते हैं कि इन चीज़ों को जो है वो हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते। अब हमें क्या पता है कि किसी बंदे का इमोशंस अभी क्या हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उनको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है ना उसने बिल्कुल इग्नोर कर दी हैं। आगे ये भी क्रिटिसिज्म है, आगे इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही ईजी है। इफ़ चिल्ड्रन ओनली लर्न एंड इमिटेट व्हाट दे हेयर फ्रॉम अडल्ट्स, हाउ टू एक्सप्लेन द चाइल्ड एबिलिटी टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक स्ट्रक्चर लाइक ड्रिंक एंड गुड। यानी कि जो हम लोग पास्ट सिंपल पास्ट और उसके बाद ये टेंसेस हम लोग करते हैं अपने जो टाइम पीरियड के लिहाज से हम उनको चेंज करते हैं या कुछ भी, तो वो कहते हैं कि ये वाली चीज़ें जो है ना ये फिर बच्चा कैसे सीखता। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, पॉइंट्स में ही है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद
आ जाता है हमारे पास कि स्किनर सेड दैट चिल्ड्रन नीड टू मॉडर्न इनपुट टू इंक्वायर लाइक द वर्ड्स बुक पेन एंड पेंसिल यू कैन पॉइंट आउट एट दिस आइटम एंड द चाइल्ड विल गेट इट बट हाउ वुड अ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द अब्स्ट्रैक्ट वर्ड दैट कांट बी मॉडल्ड सच एज फ्रीडम। हाँ जी वही मैंने अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की मैंने बात की है। तो इफ़ चिल्ड्रन ओनली लर्न एंड इमिटेट वट दे हेयर फ्राम अडल्ट हाउ टू एक्सप्लेन द चाइल्ड एबिलिटी टू क्रिएट कम्प्लेक्स एंड यूनिक स्ट्रक्चर। अच्छा ये मैंने मेरे ख्याल में पीछे भी लिखा है और आगे मैंने पॉइंट्स बना के लिखा है। ठीक है ये वो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे पास डिसएडवांटेज, ये भी वही है यानी कि क्रिटिसिज्म है। कंक्लूजन में आ जाता है हमारे पास कि ऑल्दो बिहेवियरिज्म डज शो अस हाउ वी रिस्पॉन्ड टू थिंग्स थ्रू एसोसिएशन इट स्टिल हैज़ मैनी फ्लॉज। इसमें बहुत फ्लॉज हैं। बिहेवियरिज्म इज़ साइंटिफिकली साउंड इन इट्स अप्रोच बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसिस ऑन एन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ठीक है बिहेवियरिज्म डिक्लाइन फ्रॉम द लेट 1950 ऑनवर्ड व्हेन साइकोलॉजिस्ट लिंग्विस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट ज्वाइन फोर्सेज एंड डेवलप्ड एम्पिरिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ माइंड एंड कॉग्निशन। वही कि स्टडी ऑफ माइंड यानी उसको और कॉग्निशन को यानी कि ये बाकी जो थेरीज हैं ना उनके बारे में उसने कुछ भी हमें नहीं बताया। तो ये जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉ है लेकिन हम इसको इतना इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे पर्सनली मैं इसे थोड़ा बहुत अग्री करती हूँ इस थेरी से, वो इसलिए क्योंकि हम लोग वाकई में अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है या फिर कुछ भी सीखना है तो हम लोग इन्वायरमेंट से इस चीज़ को पिक करते हैं, वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट हमें चाहिए ही होता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं ना उनकी वोकैबलरी उनकी ग्रामर इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन वो क्या है कि अच्छी तरह से वो स्पोकन उनकी नहीं होती, वो नहीं बोल सकते क्यों। लेकिन वही बच्चे अगर हम लोग बाहर जो है ना इंग्लैंड या यूरोप या फिर इंग्लिश कंट्रीज़ में जा कर रहें वहाँ पर जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं हमें वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको इमिटेट करके उसको बोलना शुरू कर देते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो हम लोग इसको टोटली इग्नोर तो नहीं कर सकते लेकिन इसने बाकी चीज़ों को इस इन्वॉल्व नहीं किया तो हम लोग इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं कर सकते। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।